हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मक्का में और उमरा दार की बात हमारे हो चुके हैं। सफ़र हमने दिखाया उमरे का, हमने ज़्यादा डिटेल नहीं दी। उसके बाद हम लोग मसरूफ़ थे दार की बात अपने कामों में, तो व्लॉग बनाना मुनासिब नहीं था। तो अब एक और सफ़र का व्लॉग है, हम मक्का से जा रहे हैं मदीना। सो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज सुबह भी बाबा और हसन उमरा करके आए थे, वो जाहिर सी बात है लेट सोए थे। चेकआउट टाइम था हमारा 12 बजे, एक्सटेंड होके 1 बजे हो गया, हम उठे 1:30 बजे। हम पैकिंग वैकिंग कर लिया सब और अभी ये सब कुछ हो गया है। माशाल्लाह भाई, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे चल रहे थे। सो पैकिंग शैकिंग हो गई है बस, तो अभी हमने बुलाया लगेज वगैरह, ये जाएगा नीचे, गाड़ी वेट कर रही है और हम यहाँ से जा रहे हैं मदीना। कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको दिखाएं, समझे। ये होटल था हमारा, ये किचन था और ये खाली हो गया यार। ये एवोकाडो का हमने शेक लिया था, कोई पी नहीं रहा, थोड़ा सा मैंने पिया था, मज़ेदार था, बट दिल नहीं चाह रहा पीने का। सो ये देख के नादिर याद आ गया, नादिर को बड़ा पसंद है। सो अब वो यहाँ से अगर आके लेके जा सकता है तो ले जाए भाई। तो हो गया रेडी है, हाँ चप्पल नहीं। तो ये किसकी है, ये किसकी है, ये तो घर वाली, और तो कौन सी खो गई फिर। लो भाई एक चप्पल खो गई। बाबा आप रेडी हैं? अबे पूरे के पूरे मूवी में खो गए थे हमने, तो ये चप्पल की फिगर हो रही है। ये तो भाई माशाल्लाह जन्नत से आगे निकल रहे हैं, पीछे देख ही नहीं रहे। ये बाबा क्या साफ कर रहे हैं? वो आयरन का। अच्छा, आयरन जो अभी तक हमने यूज नहीं की। अच्छा नहीं, मेरे पास जो है उसको जरूरत नहीं होती, कपड़े ऐसे पहनो जिसको जरूरत ही नहीं हो। चले भाई बाबा, काफी देर से वो बेचारा वेट कर, उसको 10 मिनट बोला, 15 मिनट हमें यही होगा, बेचारा नीचे खड़ा हुआ गर्मी में। तो मेरा जो बैग था, जो मेरा ये आप देख रहे होंगे, ये जब हमारे थे तो आधे से ज्यादा जो इसमें, बल्कि टोटल वेट था इसमें 17 kg, जिसमें से 10 kg चने का वेट था। बाबा ने चने लिए थे, चने कबूतरों को डालेंगे, एक भी थैली अभी तक नहीं डाली, हर दफा जा रहे भूल जा रहे हैं, अब डालेंगे। अब चने उन्होंने उस बैकपैक में रख लिए थोड़े, जबरदस्त कूल कूल कर डाल डाले बाकी। हमने बताया ना पुलिस पकड़ लेगी तो चने नहीं डाले, डर के मारे। हाँ भाई ये एहतियात कीजिएगा, प्यार की बात है, लोग भी अकीदत में लेकर आते हैं, हम लेकर आएंगे, बट कभी कभार ऐसा होता है वो चीजें बड़ी मैस हो जाती हैं बहुत सारे, तो इस वजह से मैंने हमने सुना है कि भाई ये जुर्माना भी है तो अवॉइड करें। बाहर हम खा लेंगे और कुछ डालेंगे जिस तरह हम डाल सकते थोड़े बहुत। चाहिए बाबा? हाँ मदीने में भी जा रहे हैं, तो मदीने में भी जा रहे हैं, चलो मदीने में भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। बाबा आपके पीछे कोई है? मेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे भी मैं हूँ। तो हमने काफी सारा पानी खरीद लिया था, पीने की नौबत ही नहीं आई, बुरा दर्जन पानी लेकर आया। चले भाई बिस्मिल्लाह। ये था हमारा होटल ले मेरिडियन टावर, अच्छा होटल है भाई। आपको पता है रमजान में यहाँ पे हमारी पाकिस्तान के टीम बाबर वाबर भी रुके हुए थे, बाबर आदम रुके हुए थे। भाई ये आ गई हमारी गाड़ी और ये आगे सामान। बाबा माशाल्लाह ये वाली गाड़ी में बाबा जाके सामान रखते हैं, हमारी ये गाड़ी मजा आया। जो आप टनल देख रहे हैं, ये टनल खत्म होते के साथ ही हरम स्टार्ट है, मतलब क्लॉक टावर है ना। और शटल सर्विस अच्छी है इस होटल के लिए, मेरिडियन टावर की। माशाल्लाह सामान रख चुके हैं हम। भाई बोले यार तीन लोगों का इतना सामान क्यों है? हमारे आगे भी कांचा चीना, हमारे पीछे भी कांचा चीना, नवी
अच्छा जी, ये आ गई है मस्जिद आयशा। अगर आप लोग हरम मक्का में रहते हुए दोबारा उमरा करना होता है तो आप ये मस्जिद आयशा आते हैं यूजली लोग, और यहाँ पे आके अहराम दोबारा पहनते हैं, नियत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और यहाँ से दोबारा फिर हरम की जानिब जाते हैं। सो कहते ये हैं कि ये इसकी जो हदूद है वो मक्का से बाहर है। इस पर बहुत सारे लोगों की डिबेट भी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, कुछ लोग कहते क्या है। सो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, हम आलिम नहीं है ना मुफ्ती है। भैया स्टॉप पे रुके हैं और शदीद गर्मी है, कुछ नाश्ता लेने के लिए क्योंकि हसन को भूख लग रही थी। हाँ क्या पराठा वाला पराठा, शवारमा भी है? शवारमा नहीं खा रहा। ओके खड़े हुए थे तो हमने सोचा कि शवारमा भी ले लेते हैं क्योंकि हमारा तो दोपहर का खाना हो जाएगा, सफर 4 घंटे का। हसन ले रहा है अंडा पराठा विथ टी। अंदर बैठे गाड़ी भाई, चाय शाय आ गई है तो हसन कर रहा है नाश्ता, और बाबा कह रहे हैं नहीं यार बाबा फुल है, क्योंकि बाबा ने आज फुल वसूल किया है नाश्ता, तो शोर में दो आ गए तो ये अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है। तुझे तो अंडा पराठा खाना था है ना, काफी दिन होगा ना अंडा पराठा खाए हुए। हाँ सही है माशाल्लाह, ये शोर में खाना लगे हैं, चेक करते हैं क्या पीले वाले भी आ रहे होंगे ना, वो काले कटे गए होंगे। नासिब है भाई, एक चीज है मदीना, माशाल्लाह भाई मदीना का टोल आ चुका है, चेक पॉइंट, सॉरी टोल नहीं है चेक पॉइंट भाई। माशाल्लाह हम ऑन टाइम, बल्कि टाइम से पहले जो है ना मदीना शहर हम सामने नजर आने शुरू हो गया। हाँ भाई कैडे बाबा, आप थके हुए ऐसा लग रहे हैं जैसे आपने चलाई है गाड़ी। भैया ये आप देख रहे होंगे सामने शहर नजर आना शुरू हो गया है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह मदीना शहर। माशाल्लाह भाई नजर आ रही है यहाँ से तकरीबन 6:30 होने वाले हैं और हम ऑलमोस्ट होटल पहुँचने वाले हैं। सर ये शहर की वाइब ही अलग है, और क्या सुकून है भाई, ये देखो तमाम होटल्स और बीच में मस्जिद नबी हरम, वाह सुभानअल्लाह। ये पूरी स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रीट, माशाल्लाह भाई तमाम लोग इस वक्त नमाज पढ़ने आ रहे हैं, मगरिब की नमाज 7 बजे मगरिब की जूस लेके आ रहा है, और ये हमारा होटल आ गया। आ गए भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदीना, भाई पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ की जो वाइब है ना बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली वाइब होती है, मतलब कि आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ओके 04 04 इज़ देयर, माशाल्लाह। ओके जी है, एक इतना छोटा रूम है यार, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया यार, रूम बहुत छोटा ये है, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। हाँ बाबा हमें देते हैं अपग्रेड करते हैं, कोई इनसे पूछते हैं, रश तो बहुत है वरना जिनसे करवा उनसे बात करो। नहीं फायदा नहीं है कुछ करवाने का, क्योंकि यहाँ पे जो अवेलेबल होगा वो देंगे। यहाँ पे आके हम तीनों ऐसे सोए क्योंकि थकन हमें असल में सफर की नहीं थी बाबा, हमें थकन थी कल परसों की क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अभी मसला ये है कि यार ये रूम बड़ा छोटा है, अभी हमने बोला कि रूम चेंज हो ताकि थोड़ा सा कम्फी हो, बड़ा कॉम्पैक्ट रूम है। तो मीनवाइल हमारे एक दोस्त है ताहिर, उसकी कॉल आ गई है सर, उसके घर डिनर है, मसला ये है। तो अभी 10 बजने वाले हैं, वो बस आ रहा है, तो डिनर करते हैं
और वहाँ पे एक और भी कोई मेहमान है उनसे भी मिलता है। सही है हाँ बाबा, आप चल रहे हैं डिनर के लिए या नहीं? बाबा तो बेहोश हो जाएंगे क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाया है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज इनकी तरफ से था, हमने बोला कि ब्लॉग ज़रा खाने भी एंड कर दें, क्यों पब्लिक को खाना देखना होता है, ऐसी है इतना खुश क्यों हो? मदीने में तो खुश नहीं होंगे। ये क्या बात है भाई, ये लो तुम्हारे, ये बड़े भाई लग रहे हैं। हाँ ड्रेसिंग की ऑलमोस्ट ट्रेनिंग हो रही है। चले चले माशाल्लाह, ताहिर भाई ने तो फुल यहाँ पे प्लेटर लगा दिया है। हाँ भाई ताहिर भाई माशाल्लाह भाई, हैदर भाई भी मौजूद हैं, कैसे हैं हैदर भाई आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फुल डाइट आज तो नहीं होने वाली। हाँ डाइट खली वली। हाँ भाई बाबा अलग से बैठे ऊपर, हमें नहीं पता, अभी भूख लग रही है भाई। बिस्मिल्लाह भाई, थैंक यू, खाते हैं हम, आ जाओ। माशाल्लाह खाना हुआ ख़त्म, अभी ताहिर गया हुआ है हैदर भाई को ज़रा ड्रॉप करने। रेहान भाई क्या बात है यार भाई, सब इन्होंने बनाया, क्रेडिट ये ले रहा था, बनाया रेहान भाई ने। और ये कह रहे हैं कि यार अगर चूल्हे ज्यादा होते तो मैं 20 डिशेस भी बना सकता था 2 घंटे में, ऐसी है? अरे है वाह भाई माशाल्लाह, जबरदस्त मंदी छा गई भाई। बिरयानी तो यार खाते रहते हो, तो बिरयानी थी, बट हाँ बट मंदी नो डाउट, जबरदस्त बनाई। बाबा एक और ट्रिप लगा रहे बस। अच्छा जी, अभी हम लोग हरम की तरफ आ गए हैं और अभी तहज्जुद का तब टाइम है, तो हम तहज्जुद पढ़ेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे फजर भी कंटिन्यू करें यहाँ से और फिर जाके सो जाए। सो फिलहाल अंदर जाके वीडियो बनाना मुनासिब नहीं है, इबादत में खलल आता है, लोगों की भी हमारी भी। खैर जो जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, जो जो चाहते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को भी मदीना मुनव्वरा मक्का की जो है ज़्यारत नसीब फरमाए। चलिए जी ब्लॉग का एंड करते हैं, सही है, मदीना आ गया मक्का से माशाल्लाह। सो अभी हरम जा रहे हैं और अब सिर्फ हमारा अपना पर्सनल टाइम है, सही है, नो ब्लॉग। चलिए जी अल्लाह हाफ़िज़।